हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाते हैं करेलों की सब्जी। सो ये मेरे पास है 1 kg करेले, तो इनको कुछ अलग तरह से बनाएंगे हम। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन करेलों को हम ऊपर और नीचे से कट कर लेंगे, फिर हम इनको बीच से छील लेंगे। इन करेलों को हमने ऊपर से और नीचे से ऐसे काट लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम इनको इसके बाहर के पार्ट को अच्छी तरह से निकालेंगे। इसे हमने ऐसे छील लेना है। करेले का सारा बाहर का पार्ट निकाल लिया हमने, ऐसे हम सारे करेले को छील लेंगे। हम करेला लेंगे और इसको ऐसे गोल गोल काट लेंगे। हमारे सारे करेले कट के तैयार हैं। एक कढ़ाई लेंगे हम, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल तलने के लिए। सबसे पहले हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हमें इन करेलों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हमारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में जो हमारा हमने बाहर का पार्ट छील रखा था, उसको भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 tablespoon तेल डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच धनिया डालेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन जो हमने बारीक चॉप कर रखा था। अब हम इसमें ऐड करते हैं ये हमारा 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच साबुत जीरा। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। ये 1 प्याज है जिसे मैंने बारीक से काटा था। हमें प्याज को इतना ही भुनना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये मैंने 2 टमाटर को कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, इसमें एक बड़ी सी हरी मिर्ची काट के डाली मैंने। अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे मसाले भुनने तक, इसको हम पका लेंगे। अब हमारे मसाले भुन के रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे करेले जो हमने फ्राई कर रखे थे, और इसके साथ साथ जो हमने इसके बाहर का पार्ट फ्राई कर रखा था उसको भी। हमारे कुछ अलग तरह की करेले की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। हमने इसको डिफरेंट वे में बनाया है। एक बार आप ऐसे करेले की सब्जी बना के जरूर खाएं। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। हमने इसको सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी आज की करेले की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है जब से मैंने चैनल खोला है कि मैं कम मसालों से और कम तेल से कम तला भुना खाना आपके लिए लेकर आऊं। तो अगर आपको मेरी आज की पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आती रहूं। So keep on watching my channel.